हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफबी वर्ल्ड में। जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप तक पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स, इससे भी पहले हमने दो वीडियोस बना ली हैं, एक सिक्योर कैसे करें फेसबुक अकाउंट को, दूसरा है सिक्योर कैसे करें इंस्टाग्राम अकाउंट को। और जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखी है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हम अपनी फेसबुक डिसेबल आईडी को कैसे ओपन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे चलते हैं। पहले तो दोस्तों, आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए। एक बात का ध्यान रखिए कि क्रोम ब्राउज़र में आपका अकाउंट जो है ना वो लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं लिंक यूज़ कर रहा हूँ ना, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको कॉपी करके क्रोम ब्राउज़र में डाल लीजिए। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस या फिर नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर आपका जो है वो पूरा नाम जो प्रोफाइल में रखा हुआ है ना, जो डीपी पे, वो यूज़र नेम आप यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेंड का ऑप्शन है इसको सेंड कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन फेसबुक टीम को मिलेगी तो वो आपकी आईडी सर्च करेंगे। अगर से इससे खुल गई तो आपकी आईडी 5 आवर या फिर 10 आवर में खुल जाएगी। तो फ्रेंड, 5 आवर के बीच में आप आईडी से कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए, 5 आवर के बाद खोलिए। अगर से नहीं खुल रही है तो फिर 5 आवर छोड़ दीजिए, उसके बाद जो है ना 5 आवर, फिर 5 आवर के बाद आप एक बार फिर से खोल कर देखिए। अगर से नहीं खुली तो एक और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये लास्ट में यूज़ करना फ्रेंड्स। यहाँ पर तो आप अपना पूरा नाम डालना और यहाँ पर आपका जो भी रहता है वो डेट ऑफ बर्थ डालना और यहाँ पे जिस महीने में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए और तारीख डाल दीजिए डेट, और यहाँ पर लिख दीजिए कि माई पर्सनल अकाउंट इज़ बाई मिस्टेक डिसेबल, प्लीज ओपन माई डिसेबल अकाउंट अकाउंट ओपन माई पर्सनल आई Did not done any mistake, so please open my personal ID। तो ये सब डालने के बाद यहाँ पे डॉट डॉट मार दीजिए और दो लाइन छोड़ के ना यहाँ पे थैंक्स फेसबुक टीम डाल के ना आप यहाँ पे ना अपना जो ईमेल या फिर नंबर है उसको यहाँ पे एंटर करके आप जो है ना सेंड के बटन पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, सेंड के बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से आप 2 दिन तक, सुनिए ठीक से, 2 दिन तक आईडी को कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। 2 दिन के बाद एक बार से फिर आईडी ओपन करके देखिए, अगर से नहीं हो रहा है तो मैं आपको इसके बाद का वीडियो जो आईडी कार्ड मेकिंग और जो आईडी कार्ड से आपका अकाउंट कैसे वेरीफाई होता है वो मैं आपको दूंगा। इसके बारे में मैं सर्च कर रहा हूँ, फेसबुक पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें लिखा होगा आईडी कार्ड से वेरीफाई होना। तो फ्रेंड्स, ये सब फेक होते हैं, मैं आपको ओरिजिनल बताऊंगा कि आपका जो आईडी कार्ड है वो कैसे उसमें इस्तेमाल करते हैं और कैसे आप उससे ओपन कर सकते हैं अपने अकाउंट को। अगर आईडी कार्ड से आपने ओपन कर लिया तो जस्ट नाउ पे भी हो सकती है या फिर 2 घंटे के बाद भी हो सकती है या फिर 2 दिन बाद भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आईडी का जो रहता है ना वो 50 दिन की वैलिडिटी रहती है, 50 दिन तक आईडी जो है वो बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और आप जिस प्रकार की भी वीडियोस हमसे चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। और फ्रेंड्स, जिसी ने भी हमारा जो इंस्टाग्राम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और फेसबुक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का वीडियो नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं उसे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे क्रैक।